ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक, और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एक्वेरियस के लिए होने वाली है। आपका 2022 कैसे जाने वाला है हम ये देखेंगे आज की रीडिंग में। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन कार्ड पहले से ही रखे हुए हैं, ये एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स है। तो पहले हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से आपका देखेंगे, देन अब हम आपका मेन ट्रेडिशनल टैरट से देखेंगे। तो चलिए इसको हम साइड कर देते हैं एक्वेरियस, पहले हम आपके ये तीन कार्ड जो मेन है वो रीड करेंगे, जो आपके हाउस है, प्लैनेट है और जोडियक, जो आपको इफेक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, जिनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी आपके नेक्स्ट ईयर में। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या है आपके लिए। यहाँ पर द नाइन्थ हाउस आया है आपके लिए, यहाँ पर ब्रॉडनिंग योर होरिजन आइदर स्पिरिचुअलिटी एकेडमिकली और नो और ऑन अ लॉन्ग जर्नी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है आपके लिए, कहा जा रहा हो कि जो भी होरिजन है आपका यहाँ पर उसको और बढ़ाने को कहा जा रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअली है। आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ज्ञान काफी लेने वाले हैं, स्पिरिचुअली में आपका स्पिरिचुअल होने वाले, काफी इंटरेस्ट उसमें जागने वाला है आपका। यहाँ पे दिख रहा है ऐसा काफी लोग का अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, अपने गॉड पे विश्वास ऐसा लग रहा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ना कुछ इस तरह की चीजें आपके साथ, घटनाएं घट सकती हैं जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और खींच सकती हैं। आपका ना रुझान उसकी तरफ बढ़ेगा और जानने की चाह बढ़ेगी कि और है क्या ये स्पिरिचुअलिटी, ये भगवान क्या है, ये पावर्स क्या है, मैं और भगवान मिलके ऐसा क्या कर सकते हैं, उनकी उनसे अलाइनमेंट कैसे बनाई जाए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाया जाए, ये कहीं ना कहीं आप जानने की कोशिश। और आप में से काफ़ी लोग अपने एजुकेशन में और भी आगे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप उसी के फील्ड में जो आप कर रहे हो उसी में आगे कुछ नया सीखने वाले हो, नया करने वाले हो नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप में से काफ़ी लोग कुछ लंबा रास्ता तय करने वाले हैं, काफी लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रैवल भी करने वाले हैं, कुछ ऐसी जगह पर जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर जो ईश्वर से रिलेटेड है, धाम कहते हैं ना, कुछ उन जगहों पे जहाँ पे ईश्वर का वास है, उनका आशीर्वाद लेने जा सकते हैं आप में से काफी लोग। ऐसी जगहों पर विजिट करना आपका नेक्स्ट ईयर काफी हो सकता है। प्लैनेट कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। द मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इन इमोशन एंड रिस्पॉन्सेस। तो ये जो मून का कार्ड आपके लिए आया है, यहाँ कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर आप थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हो, ठीक है, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, इमोशंस में आप और रिस्पॉन्सेस भी, मतलब छोटी छोटी चीजों पे आप अपना रिस्पॉन्स दे दोगे बहुत जल्दी, मतलब चाहे आप जिसे बहुत प्योर भी कह सकते हैं आप, मुझे दिख रही है क्योंकि जिस तरह आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो नेक्स्ट ईयर, कहीं ना कहीं काफी प्योर भी आप में से काफी लोग होते जा रहे हो, जैसे जहाँ हंसना है खुल के हंसना, खुल के रोना, खुद को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना। दूसरा, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हैं मोस्टली वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं लाइफ में चीजों को लेके, तभी उनको ऐसी चीजें दिख पाती है, महसूस हो पाती है जो और लोगों को नॉर्मली नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे थोड़े सेंसिटिव होते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को नेक्स्ट ईयर जब आप सो रहे हों ड्रीम में कुछ ऐसे मैसेजेस मिले जो आपके लिए ध्यान देने ज़रूरी हों, ठीक है, तो वो भी आप अपने जो सपने हैं उसकी मीनिंग्स भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए आया है सजिटेरियस, द एनर्जी इम्बर्स पावर्स सुपीरियर कॉन्फिडेंस इंथुजियाज्म विद फेथ गुड फॉर्च्यून अथॉरिटी। तो काफ़ी लोग नेक्स्ट ईयर अथॉरिटी में रहेंगे, काफ़ी मुझे लगता है कि आप जैसे भी जहाँ भी रहोगे मतलब लोग आपकी सुनेंगे नेक्स्ट ईयर, लोग आपकी सुनेंगे ध्यान से, वो आपकी बातें सुनेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपके बात कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बातों के मायने होंगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मैंने देख यहाँ पे जो इस तरह की बातें हुई हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ होना, एकेडमिकली ग्रोथ होना, तो कहीं ना कहीं आप उस जो भी क्षेत्र में स्पिरिचुअलिटी या एकेडमिकली जो भी है उसमें सुपीरियर होने वाले हो, लोग सुनेंगे आपकी बातें, आपके पास जो नॉलेज है ज्ञान है वो भरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कहीं ना कहीं विश्वास, जैसा कि यहाँ पे है विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका,
खुद पे भी हो सकता है, अपने ईश्वर पे भी हो सकता है, गुड फॉर्च्यून भी आ रहा है, बहुत लकी भी होने वाले हो नेक्स्ट ईयर आप। दूसरे यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है, पावर आते हुए दिख रही है आप में, काफी पावर। किसी से कम नहीं समझना, कोई कुछ बोलेगा सामने से दो तीन और उसको बता देना, और ऐसी वैसी बातें नहीं, कुछ बुरा नहीं बोलना, कुछ इस तरह की बातें बोलना कि सामने वाले का मुंह भी बंद हो जाए, और आपने उन्हें हर्ट नहीं किया, आपने उनको एक जवाब दिया है। ये भी कभी कभी लोगों को सामने वालों को देना जरूरी होता है, जब सामने वाला एक लाइन क्रॉस कर देता है, और समझदारी से आप बहुत समझदारी से बातें करने वाले हो नेक्स्ट ईयर, ये भी मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रहा है। दूसरा, काफी इमोशंस को फील कर सकते हो आप, दूसरे के इमोशंस को भी फील करोगे, खुद को भी इमोशनली आप काफी इन्फ्लुएंस्ड होगे। जब न्यू मून आएगा, फुल मून आएगा, तब आपकी एनर्जीज भी काफी इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि आप इमोशनल हो सकते हो काफी इस टाइम। और देख लेते हैं आपके लिए डेक से क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। Ace of Pentacles, Four of Swords, Seven of Wands, Page of Cups. Three of Swords, okay. इसको ऊपर रख देते हैं, okay. तो जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि इमोशनल कहीं काफ़ी यहाँ पे फील करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है, तो यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स ये बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोगों का दिल टूटेगा। सॉरी टू से, बट मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कोई भी रीजन हो सकता है, मैं सिर्फ यहाँ लव की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई चीज है कि आपने आस लगाई, यहाँ पे पेज ऑफ कप ऐसा दिख रहा है कि काफी आस लगा रखा है इस पर्सन ने, आपने काफी आस लगा रखी है किसी कुछ चीजों के लिए नेक्स्ट ईयर, काफी आस लगा रखी है। आपका दिल टूट सकता, हो सकता है जो आप सोचे हो वो चीजें पूरी ना हो पाए, ठीक है। ये सिर्फ मैं लव के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बात बोल रही हूँ आपका, हो सकता है कि कुछ करना चाह रहे होंगे बट वो नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा दुख हो जाता है ना इंसान को, बट कुछ ऐसा होगा ना, ये दुख ऐसा है जो मतलब आपको थोड़ा सा तोड़ सकता है, क्योंकि ये ऐसा पेन है ना, जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हो जो काफी मतलब जिस तरह से वो चिल्ला रही है, और ये वजह आपकी स्पिरिचुअल में, आप में से काफी लोग की ये वजह होगी जो आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, ये वजह। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपको नहीं पता स्पिरिचुअलिटी क्या है, जब इंसान वहां जाता है ना, उसे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ मिल गया, उसे पता ही नहीं था ये कुछ अलग ही जादू है, और ये जो जब ये उसके साथ होता है ना, तो वो ये चीजें कभी भूल ही नहीं सकता अपनी जिंदगी में, चाहे वो अपने लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये वो भूल नहीं पाता कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। और ये जो स्पिरिचुअलिटी सब चाहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकन सब चाहते हैं, ये होता क्या है जानना, लेकिन इतना आसान नहीं होता, इसमें जाने से पहले ही बहुत दर्द झेलना होता है, वो ये दर्द है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा बहुत इमोशन हो सकते हैं, काफी इमोशंस वाली ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। यहाँ फोर ऑफ सोर्ड्स, ये हीलिंग वाली एनर्जी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ऐसे तरीके से है, हीलिंग भी होगी, अगर दर्द मिलेगा तो हीलिंग भी होगी। और आपको पता है ये जो होगा ना, उस टाइम तो आप ये नहीं संभाल पाओगे, लेकिन आपको ये पता चलेगा बाद में, ये होना जरूरी था, ये लाइफ पे होना जरूरी था, ये बाद में पता चलेगा, जब आप इस फेज से गुजर चुके होगे, तब आप पलट के जब देखोगे तब कहोगे हाँ हाँ ये होना जरूरी था, बट अभी ये जो होगा, जब ये होगा, ये तब समझ में नहीं आएगा आपको, तब आप समझ में आएंगे मेरे साथ ही क्यों होता है ये, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये,
ऐसी वाली फीलिंग है ये कहीं ना कहीं। फिर जब आपकी हीलिंग होगी, आप ऐसा दिख भी रहा है कि आपकी हीलिंग होगी, अब हम ये दो कार्ड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मेन, यहाँ पे वो दोनों, वो तीनों एक्सप्लेन करने के बाद अब ये जो दो कार्ड बचते हैं ये दिखा रहा है न्यू बिगिनिंग। और ये पर्सन को आप देख सकते हैं, फिर आप पता है इस एनर्जी से इस एनर्जी में आएंगे, इस एनर्जी से इस एनर्जी में, जैसे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ देख सकते हैं ये दोनों कार्ड आप, इनके बीच में भी जो डिफरेंस है वो थ्री का है, थर्ड कार्ड आपको बीच में दिख रहा होगा इसके, ये रखा भी मैंने ऐसे ही था, थर्ड कार्ड ही है इसके ऊपर। जो ये फोर ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ आप देख रहे हैं उस पर्सन के बीच में जो एनर्जीज और उसके बैठने का स्टाइल आप देख रहे हैं, मेडिटेशन स्टाइल है ये, मेडिटेशन की पोजीशन है ये। ऐसा लग रहा है उसको वो ज्ञान हो गया है, वो लोगों को बताएगा, वो लोगों को समझाएगा, नहीं तुम गलत हो, ऐसी नहीं होती है, ऐसी चीजें नहीं होती है, जो मुझे पता है ना ऐसी चीजें नहीं होती है। लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, खुद से भी अंदर लड़ाई होगी, खुद के बिलीव सिस्टम्स बदलेंगे, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स में आपके। ऐसा लग रहा है आपके नेक्स्ट ईयर मेन चीज जो यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रही है, जो एकेडमिकली आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन दिख रही है मुझे। आप में से काफी लोग हो सकता है कि पहली कोशिश में हार जाएं, फेल हो, थोड़ा सा डिमोटिवेशन दिखे, लेकिन नेक्स्ट प्रयास आपका सबसे बेहतर होगा, जो आपको, और ये पहला प्रयास जो है वो आपको ये बताएगा कि आपने गलती कहाँ की और क्या नहीं करना है। ये भी मुझे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है, स्पेशली मुझे एक्वेरियस आपके लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि मेन आपकी मुझे ग्रोथ होते हुए दिख रही है यहाँ पे, आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात मैं यहाँ करूंगी, आपकी लाइफ, आपके एक्वेरियस, आपकी पर्सनल ग्रोथ होने वाली है नेक्स्ट ईयर। दूसरा एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग, वो भी रूट्स के साथ, मतलब पहले जड़ों को नहीं समझा था ना, अब जड़ों को समझ रहे हैं, रूट्स तक, मतलब छोटी से छोटी बात अब समझ में आ रही है और फिर ऊपर बढ़ रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी एक्वेरियस, आपका फाइनेंस नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा रहने वाला है, फाइनेंस के मामले में आप बहुत लकी रहने वाले हो। दूसरा आपको मुझे हेल्थ पर मैं कहूंगी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी, जिस तरह के कार्ड्स आपके आए हैं अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा मुझे आपके यहाँ पोस्ट इनहेंस होते हुए दिख रही है। दूसरा हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपकी काफी डिजायर्स हों कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है। इमोशंस को भी थोड़ा सा आप अपना कंट्रोल करिएगा, सबके आगे मत रख दीजिएगा अपने इमोशंस को, ठीक है। पहले आप सामने देखिएगा किस तरह का पर्सन है सामने, फिर उसके बाद अपने इमोशंस को दिखाइएगा, शो कीजिएगा, ये आपके लिए ज्यादा सही होगा। आपके लिए मैंने कुछ कार्ड्स अलग से निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ पे एक एक करके आपके सारे कार्ड्स पे देखेंगे हम। पहला कार्ड आपके लिए आया है वाटर मैजिक। देखिए आपके इमोशन से आपका है तो एक्वेरियस विच इज एयर एलिमेंट, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर से आपका ज्यादा कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, चूंकि इमोशंस की भी काफी बात की गई है यहाँ पर। पुराने कोई फ्रेंड से आपकी मदद हो सकती है, आपके कोई फ्रेंड से मदद हो सकती है, कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है वो आपका, आपकी कोई हेल्प हो सकती है नेक्स्ट ईयर, आपके दोस्त, अपनी दोस्त मतलब उनकी दोस्ती आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। दूसरा आपका पढ़ाई करना काफी अच्छा रहेगा, ये बुक्स देख सकते हैं आपकी पढ़ाई में आगे आपका काफी नेक्स्ट ईयर है, तो प्लीज अपने करियर पे फोकस करें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में भी है तो मैं यही कहूंगी कि रिलेशनशिप ठीक है संभालिए, बट करियर पे भी फोकस रहे आपका बराबर, ठीक है। आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मतलब कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ऐसी चीजें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, पर आपको अपना फोकस बना के रखना है, आप कोशिश कीजिए, ठीक है, अपना फोकस अपने स्टडीज पे रखने की कोशिश कीजिए, जो भी आप कर रहे हो, स्पिरिचुअली हो या एकेडमिकली हो, ठीक है, बट जो भी कर रहे हो आप, चाहे जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, उस पे आप फोकस करिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आप दूसरों की भी मदद करने वाले हो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, आप दूसरों की मदद करोगे, क्योंकि जो चीजें ज्ञान आपको मिलेगा, जो भी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज में जो इन्हेंसमेंट होने वाली है,
उसमें भी आप दूसरों की मदद उससे आप दूसरों की मदद करोगे। यहाँ आपके मैं कहूँगी कि पानी, जो पानी आप आपका रोज बाथ लेना, ठीक है, नहाना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, कुछ भी शुभ काम करें नहा के करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, इसे साइड रख देते हैं। सोलमेट, देखिए आप में से काफी लोग को सोलमेट मिलने के चांसेस है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मैंने कहा था अगर दिल भी टूटता है काफी लोगों का तो इसको बुरा ना समझे, इसे गलत ना समझे, ठीक है। दिल भी हो सकता है प्यार में टूटेगा, पर हो सकता है प्यार में टूटे, जरूरी नहीं वो पर्सन आपकी तरफ से चला ही जाएगा, ऐसी बात नहीं कह रही हूँ मैं। ये कह रही हूँ कि कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, कुछ लड़ाइयां हो जाती है जिसकी वजह से भी दिल टूट जाता है लोगों का, ठीक है। तो कोई भी वजह है ये दिल टूटने की, यहाँ पे स्पेसिफिक मैं नहीं कहूंगी, लोगों का किसी भी वजह से हो सकता है। जो इच्छाएं होती जब टूट जाती हैं तो उससे भी लोगों का दिल टूट जाता है, यहाँ पे इच्छाएं की बात मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है। दूसरा, नेक्स्ट ईयर काफी लोग को अपना सोलमेट मिलेगा, ठीक है। और आप में से जिन लोग जो लोग रिलेशनशिप में, आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है ना आपका, वो सोलमेट है आपका। यहाँ पे नेक्स्ट आपको सीधे सीधे यहाँ पे मैसेज मिलना है। दूसरा, यहाँ पे अपने इस रिलेशनशिप को एक कदम आगे भी बढ़ाते हुए दिख सकते हैं आप लोग। वन मोर कार्ड, ऑल दैट ग्लिटर, मैं यही कहूंगी कि चमकीली चीजों के पीछे भागी मत। ये डिजायर जो है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी करना वो भी करना, देखिए सभी चीज, सारी चमकीली चीज मैं कहूंगी सोना नहीं होती। मैं ये भी कहूंगी कि आपके आसपास हो सकता है काफी लोग मास्क लगाए हों। मैंने इसलिए पहले कहा था अपने इमोशंस को सीधे सीधे लोगों को मत दिखा दीजिएगा, पहले देखिए सामने है कौन। किसी के साथ भी आप बस किसी के सामने भी खुली किताब मत बनिएगा, ठीक है। ऑल दैट चीज, थोड़ा सा जो चमक धमक से थोड़ा सा मैं यही कहूंगी कि बच के रहें, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती कहते ना। यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज है, वर्क थ्रू योर फियर, जिस चीज से डर लगता है उसी से काम करें। अपने डर को फेस करने की यहाँ पे बात की जा रही है कि अपने डर को फेस करें, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीजें हैं, अपने डर को फेस करेंगे उतना ही आपकी जो सोल है वो स्ट्रांग होगी, वो पावरफुल होगी, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो डरने की कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपसे कहा जा रहा है एडजस्टमेंट्स, थोड़े से एडजस्टमेंट्स लाइफ में करने होंगे, हो सकता है आप नहीं करते होंगे इसलिए थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं आपके दूसरों से, थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है दूसरों से। तो कोशिश करिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं जब आपको इतने सारी सोल के साथ रहना है, जबकि सबके अलग अलग नेचर है। तो हम सबके सबको तो अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं मैं अकेले ही जीवन जीऊंगा ऐसा तो नहीं होता, सबके साथ ही जीना है। तो थोड़ा थोड़ा सबको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, सबको एक दूसरे के साथ रहना है। यहाँ रख देती हूँ आपका कार्ड, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या है। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जो करना है जैसे करना है, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको क्या पसंद है, ठीक है, क्या डिसीजन लेना चाहिए। एंजल्स कह रहे हैं ये आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो किसी और से मत पूछिए किसी चीज के लिए, या फिर किसी और के पास मत जाइए, ठीक, ये आप सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। इट्स अप टू यू, कोई भी चीज के लिए ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या डिसीजन देते हो अपने लाइफ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ सकते हैं, लाइक अपने लिए कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, यहाँ पे अपने लिए कॉम्प्रोमाइज करने की बात हो रही है कि थोड़ा सा अपने अपने आप को थोड़ा समय देना, ठीक है। कुछ किसी और को कुछ ज्यादा ही समय दे रहे हैं आप, यहाँ पे अपने आप को थोड़ा समय दे दें तो वो अच्छा होगा। दूसरा, मैं ये कहूंगी कि आप में से काफी लोग ये भी है कि दो काम कर रहे हो, दो चीजों को मैनेज कर रहे हो, तो थोड़ा सा समय वहां से निकाल के थोड़ा सा उसमें लगा देना, ठीक है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज। किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रिग्रेट होगा बाद में, जब तक आपका दिल ना कहे कि हाँ मैं दिल से खुश हो के कॉम्प्रोमाइज करना किसी के लिए, वो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जबरदस्ती किसी के कहने पे या फिर किसी और के लिए अपना मन रखने के लिए, तब फिर इस तरह का कॉम्प्रोमाइज आपको बाद में परेशान ही दे सकता है, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे कॉस्मिक गेटवे आपके लिए आया है. योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग. तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत बड़े बदलाव आएंगे. दूसरा आपको कहा जा रहा है थॉट्स अपने पॉजिटिव रखिए, आपके थॉट्स नेगेटिव हुए नेगेटिव चीज हो जाएगी. तो पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए पॉजिटिव चीजें करना है और मैजिक तो होगा ही आपके लाइफ में, जो कि कुछ गेट वे मुझे ये लग रहा है कोई गेट खुलता है, कोई कॉस्मिक गेट खुल रहा है आपके लिए, ठीक है, बदलाव लेके जो आने वाला और आपसे कह रहे हैं आपको समय बदल रहा है. लॉर्ड शिवा का कार्ड आपके लिए आया है. राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स. मोस्टली मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअलिटी ज्यादा गहराई से लग रहा है, ठीक है, एकेडमिकली तो है ही बट स्पिरिचुअलिटी बोध भी हो सकता है यहाँ पे, बोध दोनों ही हो रहे हो बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी तो मुझे यहाँ पे दिख रही है जिस तरह से आपके लिए कार्ड आ रहे हैं कि ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स. तो आपको बस यूनिवर्स के साथ डांस करना है. स्टेप आपको ऑलरेडी गिवन हो दिया जाएगा कि यहाँ कदम रखना है, यहाँ कदम रखना है. दूसरा यहाँ पे रिपनेस का कार्ड है आपके लिए, नंबर 9. कुछ फल मिलता हुआ दिख रहा है. पास्ट में किया हुआ चीजों का फल मिल रहा है आपको. आपने कुछ किया है इन पास्ट, उसका फल आपको नेक्स्ट ईयर मिल रहा है. दूसरा फ्लावरिंग, काफी लोगों की मुझे यहाँ पे मैरिज होते हुए दिख रही है. काफी लोगों के लिए न्यू पोस्ट, एक बहुत अच्छी पोस्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. दूसरा सेल्फ लव भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. ब्रेक थ्रू, ये वही वाला मैं कहूंगी यहाँ पे 3 जो सोर्ड्स आए थे ये कार्ड एंड ये वाला, बस बहुत हो गया. अब जैसे चेंजेस चाहते हैं, बस बहुत हो गया, अब कुछ बदलाव चाहिए. वही चीजें देख देख के थक चुके हैं, वो सब चीजें मैं सह सह के थक चुका हूँ. अब कुछ तो करना होगा, कुछ तो बहुत बड़ा करना है, कुछ तो बदलाव लाना है. बस ऐसे कोई कह दिया कि बस अब बहुत हुआ, ऐसी वाली एनर्जी है ये. तो ये नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपका, काफी बदलाव करते हुए दिख रहे अपने लाइफ में, अपने आप में. नेक्स्ट ईयर कुछ इसी तरीके का यहाँ रहने वाला है. चेंज, बदलाव बोल के हाँ, बदलाव तो कुछ मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं. यहाँ पे गेटवे भी आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज भी आया है, मिरेकुलस चेंजेस, ठीक है. दूसरा, आप में बदलाव हो रहा है इतना बड़ा, तो आपके लाइफ में क्यों नहीं होगा, पहले तो खुद में होता है देन लाइफ में. तो आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है. आप तो ये देख लेंगे नेक्स्ट मंथ में कैसे मंथ रहने वाले हैं, मतलब कौन सा मंथ आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, फेवरेबल. मैं आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. अप्रैल, नवंबर, अगर आप में से किसी का बर्थडे है तो प्लीज बताइएगा इस मंथ में. फेब्रुअरी, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अमेजिंग रह सकते हैं. इसमें आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट, आपके यहाँ पे लाइफ चेंजिंग वाले भी हो सकते हैं ये मंथ. और मुझे लग रहा है मोस्टली आपकी जो स्टार्टिंग मंथ है, ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग मई अप्रैल, ये आपका मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है. फेब्रुअरी भी, फेब्रुअरी भी आपका कुछ इस तरह का मंथ हो सकता है जब आपको लर्निंग वाला, जहां पे बहुत हिला के शेक कर दिया जाएगा आपको, तो ये वो मंथ हो सकते हैं, क्योंकि तभी आपके लाइफ में एक बदलाव, और पूरे साल में ही आपके में काफी बदलाव आ जाएगा, वो ऐसे ही होगा. वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस. यहाँ पे वैली भी आ गया है, मैंने कहा आपको कि यहाँ पे कुछ इनर वाला हो रहा है, इनर स्ट्रेंथ यहाँ पे कहा जा रहा है, पीस कहा जा रहा है, तो डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस. कुछ वर्ड्स ऑलरेडी हमने लॉर्ड शिवा के भी मैसेजेस में सेम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े थे आपके लिए. सेल्फ
साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, आपकी साइकिक एबिलिटी भी बढ़ रही है। यहाँ पे मैंने कहा ऑलरेडी आपको कि आप में से काफी लोग स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हैं। कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसोगे भी नेक्स्ट ईयर, तो उसका सीधा सीधा आंसर भी आपको मिल जाएंगे, एक चाबी आपको मिल रही है। मैंने कहा ना, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो यहाँ पे सक्सेस 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 ही मिलनी है। और आपको मैं ये बता दूं, स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद आप जो काम करोगे उसमें आपको मोस्टली सक्सेस ही देखने को मिलेगी। बस दिल से उस काम में लग जाएगा, वो खुद ब खुद हो जाएगा, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है आपको, इतना आप समझ लीजिए। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, वो तो मैं दिख ही रहा है यहाँ पे, एकेडमिकली ध्यान देना एंड ये तो नेक्स्ट ईयर आप पूरा पूरा अपने गोल पे ध्यान देने वाले हो, क्योंकि काफी लोग को खुद ही ज्ञान मिल जाएगा। मुझे नेक्स्ट ईयर ऐसा दिख रहा है, काफी लोग खुद ही ज्ञान मिल जाएगा कि क्या करना मेरे लिए सही है। रास्ता खुद ब खुद दिखेगा, ईश्वर खुद दिखाने वाले हैं रास्ता आपको। ओ विशबोन, विश इज ग्रांटेड भाई। नेक्स्ट ईयर तो यहाँ पे लक की बात भी हुई थी कहीं ना कहीं, लक आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका लक अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं और इसमें से भी कुछ। वाओ, मतलब सक्सेस, इतने सारे का सक्सेस के, मतलब बहुत सक्सेस आने वाली नेक्स्ट ईयर। हाँ, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, तो आप जो भी काम करोगे उस पे आपको क्रिटिसाइज भी किया, मतलब आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई बताएगा जो कि वैलिड होगा, ठीक है, जो कि वैलिड होगा, और आपको उस पे वर्क करना है नेक्स्ट ईयर। काफी कुछ सीखने वाला भी यहाँ पे है, गोल ओरिएंटेड, सक्सेस भी है आपके में, एबिलिटी, साइकिक एबिलिटी, मैंने कहा ना आप में भी काफी बदलाव और आपके जीवन में भी काफी बदलाव नेक्स्ट ईयर होने वाला है। क्यूरियस, दिल खोल के नेक्स्ट ईयर का स्वागत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके साथ नेक्स्ट ईयर होगा वो आपके लाइफ में ये एक जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। फिर आपके लाइफ में जो सक्सेस देख रहे हैं ना, ये लिखी पड़ी है, बस भाई जो चाहिए वो मिलेगा फिर। तो आपको कैसी लगी रीडिंग जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।